Good morning all the students, myself Sandeep Das, I am your computer teacher. Today we will discuss session 8. The topic is creating a list item using bullet and numbering. कैसे हम list item को create करते हुए bullet and numbering का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है student? A list is defined as the number of connected item, name or sentence written or printed consecutively. जो list जो define होता है list का वो आपका number से connected होता है और वो name, sentence या आपका कोई चीज printed होता है आपके document में वो list कहलाता है. तो list के लिए जब आप कोई तैयार करते हैं कोई certain to the point exact word को लिखने के लिए sentence में तो आप यहाँ पे number और bulleting का इस्तेमाल करते हैं आप अपने list item के लिए. A bullet is a small graphic symbol. ये एक तरह का small graphic symbols है जो आपको आपके document में use होता है list item को make करने के लिए. You can format list in document by using bullets and numbering command. आप bullets and numbering command के जरिए ही आप अपना list item create कर सकते हैं. तो आप कैसे create करेंगे bullet and numbering student? So सबसे पहला आप क्लिक करते हैं या तो आप बुलेट्स के लिए या आप नंबरिंग के लिए आप उस पे क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन एरो है जस्ट उसके बगल में जो आपके होम टैब आपके पैराग्राफ ग्रुप में है. जो आपको डिजायर फॉर्मेट आपको चूज करना है बुलेट नंबरिंग में आप उसे चूज कर सकते हैं. उसके बाद आप टेक्स्ट को टाइप करेंगे उसके बाद एंटर करेंगे तो वो सेम आपका नेक्स्ट आइटम में वो सेम बुलेट आपको अपीयर हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट, to use symbol as a bullet. कैसे हम bullet को symbol के रूप में इस्तेमाल करेंगे. Sum an existing list. Click on the drop-down arrow next to the bullet button on home tab. Home tab पे आप bullet button पे आप click करते हैं drop-down arrow पे तो आपका एक existing list खुलता है आपका bullet का. ठीक है, यहाँ पे आपको define new bullets का एक list option आपके सामने आएगा. वहां पे क्लिक करने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा डिफाइन न्यू बुलेट का. उस पे बुलेट पे क्लिक करने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स बहुत सारे सिंबल से आपके सामने स्क्रीन पे अपीयर हो जाएंगे. उसके बाद आप एक सिंबल पे क्लिक करते हैं सिंबल बटन के द्वारा. ठीक है, उसके बाद सिंबल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. जैसे ही आप वो डायलॉग बॉक्स न्यू बुलेट का डिफाइन न्यू बुलेट का क्लिक करते हैं तो ओके बटन करते हैं फिर सिंबल का आप क्लिक करते हैं एक और डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाता है लॉट्स ऑफ सिंबल के साथ. तो वहां से आप फिर आप सिंबल्स को देखते हैं बहुत सारे सिंबल्स आपके बॉक्स में अपीयर होता है. उसके बाद आप वहां पे सिंबल्स पे जाते हैं फॉन्ट पे जाते हैं फॉन्ट आप वहां पे उस बॉक्स में फॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं डिजायर फॉन्ट को. उसके बाद आप उस फॉन्ट को आप अपने डायलॉग बॉक्स में सेलेक्ट करने के बाद ओके बटन करते हैं. उसके बाद आप प्रीव्यू सेक्शन पे जाते हैं जो आपका डिफाइन न्यू बुलेट्स पे डायलॉग बॉक्स में अब अवेलेबल है और ओके बटन करते हैं वो आपका सिंबल अपीयर हो जाएगा आपके बुलेटेड लिस्ट के दौरान आपके डॉक्यूमेंट में. ओके, ये तो था आपका स्टूडेंट सेशन 8. सेशन 9 आपका है सेशन 9 आपका अलाइनमेंट द टेक्स्ट. अलाइनमेंट द टेक्स्ट कहने का स्टूडेंट कि आप अपने टेक्स्ट को कैसे पोजीशनिंग देते हैं. ठीक है, बिटवीन द मार्जिन ऑफ द पेज यानी मार्जिन पेज के मार्जिन के बीच में कैसे उसे टेक्स्ट पोजीशनिंग देते हैं वो अलाइनमेंट कहलाता है. टेक्स्ट अलाइनमेंट रिफर टू द पोजिशनिंग ऑफ द टेक्स्ट बिटवीन द मार्जिन ऑफ अ पेज यानी ये मार्जिन ऑफ द पेज के बीच में आपका टेक्स्ट पोजिशनिंग कहलाता है उसे ही हम अलाइनमेंट कहते हैं. यू शुड सेट द अलाइनमेंट बिफोर यू टाइपिंग. आप टाइपिंग से पहले ही आप इसे सेट कर सकते हैं अपने अलाइनमेंट को. ओके, यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट एन एंटायर डॉक्यूमेंट एंड देन चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट. या तो आप एंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं या सिर्फ पर्टिकुलर टेक्स्ट को भी आप अलाइनमेंट के लिए चेंज कर सकते हैं. दो कैटेगरीज में बांटा गया है अलाइनमेंट को. पहला है आपका स्टूडेंट हॉरिजेंटल और दूसरा है आपका देख रहे हैं यहाँ पे पहला हॉरिजेंटल और दूसरा वर्टिकल. ये दो आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट दिया जा रहा है आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में. हॉरिजेंटल टेक्स्ट अलाइनमेंट अलाइनिंग द टेक्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेफ्ट एंड राइट मार्जिन इज कॉल्ड हॉरिजेंटल टेक्स्ट अलाइनमेंट. ये अलाइनिंग जो टेक्स्ट करता है आपके टेक्स्ट को अलाइनिंग करता है लेफ्ट एंड राइट मार्जिन के बीच में ये आपका हॉरिजेंटल टेक्स्ट अलाइनमेंट यूज होता है. टेक्स्ट अलाइनमेंट दैट यू जनरली यूज
फॉल अंडर दिस कैटेगरी. ये आपको सिर्फ इसी कैटेगरी के अंतर्गत आपको ये टेक्स्ट अलाइनमेंट दिखेंगे. कौन? आपका हॉरिजेंटल टेक्स्ट अलाइनमेंट. तो फोर टाइप्स के हॉरिजेंटल टेक्स्ट अलाइनमेंट है स्टूडेंट. पहला है आपका अलाइनमेंट टेक्स्ट, यानी आप लेफ्ट की तरफ से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं. यानी ये जैसे ही ऑप्शन चूज करेंगे तो ये आपका लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो जाएगा ये अलाइनमेंट टेक्स्ट का. उसके बाद है अलाइन टेक्स्ट राइट. जैसे ही आप चूज करते हैं आपका पैराग्राफ क्या हो जाएगा, राइट साइड से आपका वो सारा एडजस्ट हो जाएगा. उसके बाद सेंटर, ये आपको लेफ्ट और राइट मार्जिन के बीच में यानी एडजस्ट करता है आपके पैराग्राफ को, आपके टेक्स्ट को. जस्टिफाई, जस्टिफाई कहने का मतलब अभी आपने देखा सेंटर, यानी आप अपने पैराग्राफ टेक्स्ट को जो भी सेंटर में लाना चाहते हैं तो सेंटर अलाइनमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं. जस्टिफाई कहने का मतलब आप लेफ्ट और राइट मार्जिन के दोनों के बीच को यानी एडजस्ट करना, ये जस्टिफाई अलाइनमेंट का काम होता है. कैसे इसे हम सीखेंगे अलाइनमेंट करना, तो सबसे पहले हम एक पैराग्राफ को चूज करेंगे, ठीक है, टेक्स्ट को चूज करेंगे. उसके बाद पैराग्राफ ग्रुप में जाकर के अलाइनमेंट बटन पे क्लिक करेंगे. करने के बाद आपका एक पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहां पे अलाइनमेंट का ऑप्शन आता है जनरल सेक्शन में. उसके बाद ओके बटन करते हैं तो आपका वो क्या होता है, जिस भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे वो आपका पैराग्राफ में सेलेक्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट है वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट. वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट कहने का मतलब ये आपके टेक्स्ट को अलाइन तो करता है टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑफ द पेज के लिए. इसमें कुछ ऐसे स्टेप्स दिए गए हैं वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट में. सबसे पहले आप पेज लेआउट टैब पे जाएंगे, क्लिक करेंगे. उसके बाद पेज सेटअप ग्रुप में जो आपका पेज लेआउट है वहां पे एक पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. उसके बाद आप पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स अपीयर होने के बाद पेज लेआउट टैब पे जाएंगे. उसके बाद वर्टिकल अलाइनमेंट लिस्ट बॉक्स आएगा, उस पर डिजायर ऑप्शन देने के बाद, क्लिक करने के बाद आप अप्लाई टू बॉक्स पे जाकर के होल डॉक्यूमेंट पे भी कर सकते हैं या सेलेक्टेड टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो. उसके बाद आप ओके बटन करते हैं और ये आपका वर्टिकल अलाइनमेंट आपका अप्लाई हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट में. इंडेंट एंड टैब. इंडेंट एंड टैब कहने का मतलब ये इंडेंट डिस्टेंस बिटवीन टेक्स्ट बाउंड्रीज एंड द पेज मार्जिन. ये इंडेंट आपको टेक्स्ट बाउंड्रीज और पेज मार्जिन के बीच का डिस्टेंस बताता है, जिसे हम इंडेंट बोलते हैं. यूजिंग टैब की, ये टैब की इंडेंट टेक्स्ट को यूज करने के लिए काम आता है. ये सबसे अच्छी मेथड होती है एक सिंगल लाइन को टेक्स्ट को, ठीक है, या तो मल्टीपल लाइन को और पैराग्राफ को हमें यूज करने के लिए. आप यहाँ पे टैब की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. पहले आप सबसे पहले इंसर्शन पॉइंट पे अपने बिगनिंग ऑफ द, जहां पे आपको लेना है आप वहां पे कर्सर को रखें, ठीक है, जहां पे भी इंडेंट के चाहिए वहां पे कर्सर को ले जाकर के उसके बाद टैब की प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो आपका टेक्स्ट होगा हाफ इंच आगे की ओर फॉरवर्ड हो जाएगा. इसे ही कहते हैं आपका इंडेंट. यूजिंग इंडेंट बटन, कैसे इंडेंट बटन को इस्तेमाल करेंगे. ये फीचर आपको पूरी कंप्लीट तरीके से पैराग्राफ और फर्स्ट लाइन के लिए स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्लेसेस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट मार्जिन के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है. ये इंडेंट बटन आपको एक वेल फीचर के साथ आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में दी जाती है. अ वेल इंडेंटेड डॉक्यूमेंट ऑलवेज कैचेस द रीडर अटेंशन. ये वेल इंडेंटेड आपको डॉक्यूमेंट का रीडर के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव करता है. क्यों? क्योंकि ये इंडेंट इस्तेमाल होता है एक बेटर फीचर के साथ. उसके लिए सबसे पहला आपको क्या करना होगा, एक पैराग्राफ को, अगर जो भी पैराग्राफ को इंडेंट करना है तो पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए इंडेंट करने के लिए. उसके बाद इंक्रीज इंडेंट, यानी इंडेंट को बढ़ाना है तो आप इंक्रीज इंडेंट पे जो आपके पैराग्राफ ग्रुप में होम टैब में अवेलेबल है वहां से करने के बाद ये क्या होगा, हाफ इंच लेफ्ट साइड की तरफ चला जाएगा, लेफ्ट मार्जिन की तरफ चला जाएगा. डिक्रीज कहने का मतलब ये आपको एक हाफ इंच क्लोजर चला जाएगा लेफ्ट मार्जिन की तरफ डिक्रीज इंडेंट बटन के जरिए. ओके स्टूडेंट, यूजिंग इंडेंट मेकर ऑन अ रूलर. आप इंडेंट को मार्कर, इंडेंट मार्कर को रूलर पे कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये आपको प्रेजेंट होता है आपके हॉरिजेंटल रूलर पे और ये इस्तेमाल होती है आपको आपके डॉक्यूमेंट के लिए. पहले आप प्लेस करेंगे इंसर्शन पॉइंट जहां भी आपको लेना है इस इंडेंट मार्कर को, ठीक है,
तो आप वहां पे पॉइंट रखते हैं कर्सर को पैराग्राफ में, उसके बाद फर्स्ट लाइन को एडजस्ट ड्रैगिंग करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट, आप फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर को इस्तेमाल करते हैं रोलर के जरिए। उसके बाद अगर आप दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं जिसे हम बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में एज अ हैंगिंग इंडेंट मार्कर के रूप में। तीसरा है आपका लेफ्ट इंडेंट, ये आपको मार्कर सेम टाइम पे क्या करता है आपके पैराग्राफ में यूज होता है लेफ्ट इंडेंट के जरिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका मॉडिफाई द डिफॉल्ट इंडेंट सेटिंग। कैसे हम मॉडिफाई करेंगे स्टूडेंट डिफॉल्ट सेटिंग, यानी इंडेंट को डिफॉल्ट कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप पेज लेआउट टैब पे जाएंगे, ठीक है। वहां पे पेज लेआउट टैब पे जाकर के आप सेलेक्ट करेंगे आप अपने टेक्स्ट को जो आप इंडेंट उसमें प्रोवाइड करना चाहते हैं। इन द पैराग्राफ ग्रुप डिफाइन द लेफ्ट एंड राइट इंडेंट, आप वहां पे पैराग्राफ ग्रुप में लेफ्ट और राइट को इंडेंट को रिस्पेक्टिव तरीके से डिफाइन करेंगे क्या आपको यूज करना है। ऑल्सो चेंज द इंडेंट सेटिंग बाय यूजिंग पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, अगर आपको इंडेंट सेटिंग चेंज करना है तो आप पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स का यूज करते हैं जो आपके होम टैब में अवेलेबल है। उसके बाद एक पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, अपीयर होने के बाद आप देखते हैं कि इंडेंट और स्पेसिंग का एक बाय डिफॉल्ट आपका ऑप्शन आता है वहां पे। इंडेंट और स्पेसिंग का ऑप्शन आने के बाद वहां पे सर्टेन कॉलम में आप उन सभी कॉलम को फीड करते हैं, इंसर्ट करते हैं। वहां पे देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेंट आपको नजर आएंगे, पहला है लेफ्ट इंडेंट, उसके बाद राइट इंडेंट, स्पेशल इंडेंट, उसके बाद आपका बाय इंडेंट। ये आपको यहाँ पे ये चार इंडेंट आपको देखने को मिलते हैं। लेफ्ट इंडेंट कहने का मतलब आप लेफ्ट मार्जिन की तरफ से वैल्यू को पुट कर करके, यानी लेफ्ट इंडेंट में आप कॉलम में वैल्यू को पुट करके आप जितने भी मार्जिन को क्या करना चाहते हैं लेफ्ट साइड से कम करना बढ़ाना आप कर सकते हैं। राइट इंडेंट कहने का मतलब आप राइट साइड से मार्जिन के जितने भी वैल्यू को कम करेंगे या बढ़ाएंगे वो आपका डॉक्यूमेंट में यूज होगा। स्पेशल इंडेंट कहने का मतलब इसमें तीन तरीके का ऑप्शन आपको डिस्प्ले होता है, पहला फर्स्ट लाइन, हैंगिंग और नन, ये तीन तरीके का स्पेशल इंडेंट में आपको देखने को मिलता है। लास्ट है आपका बाय इंडेंट, दिस फील्ड अलाउ यू टू सेट द एग्जैक्ट साइज ऑफ द फर्स्ट लाइन, ये एग्जैक्ट साइज बताता है आपके फर्स्ट लाइन को और हैंगिंग इंडेंट के लिए जब आप इंटर करते हैं वैल्यू को इंडेंटेशन में, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट आपका सेशन 9 अलाइनिंग द टेक्स्ट। ओके, थैंक यू।